हे फूडीज, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में फिर से कुछ धमाकेदार दिखाऊंगा, लेकिन ये चल रहा है BTS। तो BTS में आज हम लोग भाईंदर में आए, एक अलग ही काफ़ी अलग जगह। एंड अलग तो अजय ने मेरे को नाम तक नहीं बताया था जगह का, अब आके पता चल रहा है क्या जगह क्या नहीं। तो अभी अंदर जाएंगे, ले चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ जरा BTS हमारे यहाँ का। सो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, ये जो लोकेशन है ये आता है भाईंदर में, जहाँ पे मैक्सिस मॉल है। और यहाँ पे मैक्सिस मॉल है और यहाँ पर जो पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो यहीं पर आता है लोकेशन। ठीक है, बहुत पास में है, लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और ये आता है शॉप हमारा, मीम्स हब, जहाँ पे अलग अलग मीम्स रखे हैं शॉप के साथ। चलो अंदर चलते, तुषार ने बुला लिया अभी तो, लेट्स गो। हाय तुषार, हमारे साथ आ जाइए। हेलो अजय। सो आज के BTS में तुषार कैसा लग रहा है तेरे? तू भी गेमर है ना अजय के साथ? मैं गेमर नहीं। अच्छा, गेमर नहीं, शेख मेरा लाल हो गया। एनीवेज अजय, तो पीसी देखकर कैसा हो लग रहा है, मतलब खेलने का मन हो रहा है तुझे? मैंने लास्ट है ना कब खेला था मैं तेरे को, जब मेरे पास था, मेरे पास PS5 था, Xbox 360 था, PS2 था। हाँ भाई, मेरे पास आया था, बेच दिया। मेरा होता तो मैं बेचता क्या भैया, ये इसको इसको हमेशा रोस्ट होने की बहुत जल्दी होती है। एनीवेज, देन PS2 था जो मैंने बेच दिया, उसके बाद एक्सबॉक्स था वो भी बेच दिया। मेरे को ये सब मेरा गेम्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं थोड़े टाइम के लिए लेता हूँ, फिर खेलता हूँ, फिर तो तेरे अकॉर्डिंग से होता ना जरा ब्रो, अगर ये सेटअप कोई गेमर देखेगा जिसको मतलब घर पे नहीं मिलता खेलने, तो वो यहाँ पे आके खेल सकता है। एंड उसका चार्जेस पता है कितना है? 100 rupees सिर्फ भाई। और ये जो कैफे है ना, यहाँ पर तुम लोग बर्थडे पार्टीज और सब कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो। हमारे आने से पहले भी किसी ने किया था, ये देखो काफी बढ़िया डेकोरेशन किया है, मीम्स एंड ऑल से पूरा मस्त सजा के रखा इसको, और नीचे भी मीम्स ही मीम्स है। काफी अच्छा लगा था, ये देखो यहाँ से व्यू है उनका, ये स्टैकर्स है नीचे जाने को, यही से ऊपर आए थे ऑब्वियसली। और एम्बियंस काफी बढ़िया इनका, चलो करते। एनी प्लेस, अजय का जो भी था वो पास था, अभी फिलहाल हम ब्लॉक कर रहे हैं। अच्छा, मैं अभी भी तेरे को चैलेंज कर सकता हूँ। ठीक है ठीक है, अगर तू चैलेंज हार गया तो तेरे को YFF में जो हम लोग ने किया था वो चैलेंज, जिसको हमने पानीपुरी वाला चैलेंज, वो हम लोग ने ना दो बार रिपीट किया था। बेसिकली हुआ ऐसा कि मेरे खास दोस्त का फोन आ गया बीच में, तो वो चैलेंज को हमने रिपीट किया।